गाइज दिस इज रितु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज बी एड स्टूडेंट अपने डेट शीट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनकी डेट शीट कब आएगी, एग्जाम कब स्टार्ट होंगे। तो CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी डेट शीट जारी कर दी गई है और आज की इस वीडियो में हम डेट शीट के बारे में ही बात करेंगे और वहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे और इसी के साथ साथ एग्जाम पैटर्न के भी बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को फुल और लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना इसी तरीके से CCS यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर बीएड में बीएड नॉर्मल और बीएड स्पेशल दोनों में ही दोनों की यानी कि दोनों ईयर की डेट शीट जारी कर दी गई है, बीएड फर्स्ट ईयर की भी और सेकेंड ईयर की भी, ठीक है। और देखिए आप लोगों के दोनों के ही एग्ज़ाम 16 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 15 तारीख से पहले स्टार्ट नहीं होंगे, 15 से 20 के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम 16 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। बस यहाँ पर बीएड स्पेशल और बीएड नॉर्मल में एक ही फ़र्क है कि जो बीएड स्पेशल है उनके एग्ज़ाम 11 जुलाई में ख़त्म हो रहे हैं और जो बीएड नॉर्मल है उनके एग्ज़ाम 2 जुलाई में ख़त्म हो रहे हैं। गाइज बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका एग्ज़ाम पैटर्न जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। और जो भी कुछ उनका जैसा था वैसा ही रहेगा। फर्स्ट ईयर वालों का एग्ज़ाम पैटर्न मैं अभी आपको बता दूंगी। सेकेंड ईयर के यहाँ पर स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि मैम ये मतलब आपने तो कहा था 2 घंटे का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, 2 घंटे वाली एग्ज़ाम की टाइमिंग रहेगी, ये 3 घंटे का कैसे हो गया। तो गाइज़ देखिए वेलकम बैक टू द CCS यूनिवर्सिटी, ये CCS यूनिवर्सिटी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये CCS यूनिवर्सिटी ने वापस से 3 घंटे का एग्ज़ाम पैटर्न कर दिया, तो इन्हें नोटिस देना चाहिए था, नोटिस देकर बताना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। देखिए 2020 में जब मैंने बीएड सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दिए थे तब ये 2 घंटे वाला एग्ज़ाम पैटर्न आया था बीएड सेकंड ईयर के लिए, और ये पैटर्न हमेशा के लिए रखा गया था। जब हमने बीएड सेकंड ईयर में एडमिशन लिया था तभी हमें बता दिया गया था, ठीक है। कोविड की वजह से 1.5 घंटे वाला एग्ज़ाम पैटर्न आया था, 2 घंटे वाला नहीं आया था। अब ये CCS यूनिवर्सिटी ने वापस से 3 घंटे का एग्ज़ाम पैटर्न कर दिया, क्यों किया वो पता नहीं, और अगर कर दिया था तो टाइम से पहले ही इन्हें नोटिस देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। गाइज ये CCS यूनिवर्सिटी है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है, ऑन टाइम आपको सब कुछ पता चलेगा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को देने वाली हूँ। देखिए बीएड सेकंड ईयर में जो असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका सब्जेक्ट है वो पहले मतलब कि 2019 से पहले वो 80 मार्क्स का हुआ करता था और बाकी सारे सब्जेक्ट आपके 40 मार्क्स के हुए करते थे। लेकिन जब 2019 में मैं बीएड सेकंड ईयर में आई तो एक नया सब्जेक्ट जुड़ा, नई तालीम, ठीक है। तो नई तालीम के जुड़ने से सारे पेपर इक्वल कर दिए गए, 40 मार्क्स के कर दिए गए, ठीक है। और तभी ये वाला पैटर्न 2 घंटे वाला रखा गया था। तो 40 मार्क्स के हो गए तो असेसमेंट फॉर लर्निंग भी 40 मार्क्स का हो गया, और फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग के कुछ यूनिट्स हटा दिए गए, कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए, जिनमें से एक था NPC, ठीक है। NPC जो वाली जो यूनिट थी, जो टॉपिक था, वो पूरी तरीके से हटा दिया गया था उस दौरान। लेकिन पिछली साल CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से असेसमेंट फॉर लर्निंग के पेपर में NPC वाला क्वेश्चन डाला गया, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी, जबकि वो सिलेबस से हटा दिया गया है। आप अभी भी CCS यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सिलेबस चेक कर सकते हैं, वो हटा हुआ है टॉपिक। लेकिन CCS यूनिवर्सिटी ने पिछले साल असेसमेंट फॉर लर्निंग जो आपका पेपर है उसमें NPC लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में दिया था। तो इससे यही है कि CCS यूनिवर्सिटी है ये कुछ भी कर सकती है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। और जब CCS यूनिवर्सिटी से मतलब पूछा गया, क्वेश्चन किया गया कि मतलब ये तो सिलेबस में है ही नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब पता है क्या दिया, उन्होंने क्या कि ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन भी तो था, आप वो कर सकते थे, ज़रूरी था NPC वाला ही करना, ज़रूरी था उस पर ही अटकना। तो गाइज वेलकम बैक टू द CCS यूनिवर्सिटी कि कुछ भी कर सकती है, ठीक है। आई होप आपको इससे पता चल गया होगा कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। और यहाँ से एक सलाह और मिली होगी कि NPC वाला जो टॉपिक है उसको नहीं छोड़ना है, उसको करके जाना है, भलाई वो सिलेबस में हो ना, लेकिन आपको उसे करके जाना है, ठीक है, आपको उसे प्रिपेयर करना है। जब वो 80 मार्क्स का पेपर आता था तो ये NPC वाला जो टॉपिक था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन जब वो टॉपिक हट गया तो फिर उसको छूना ही बेकार था। जब मैंने 2020 में बीएड सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दिए थे तो
अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही पेपर आया था, लेकिन 2021 में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पेपर नहीं आया था, जो टॉपिक छोड़े गए थे उनसे भी पेपर आया था। तो आप लोग जो टॉपिक छोड़े गए हैं उनको भी प्रिपेयर करना, उनको छोड़ना मत, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइज एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए, जो फर्स्ट ईयर में पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा, और जो सेकंड ईयर में पेपर आएगा वो 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन तीन ही तरह के होंगे दोनों तरफ, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। फर्स्ट ईयर में भी लॉन्ग क्वेश्चन आपके तीन आएंगे इंटरनल चॉइस के साथ, और सेकंड ईयर में भी तीन ही क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग इंटरनल चॉइस के साथ। बस फर्क ये है कि फर्स्ट ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन एक 16 नंबर का होगा, और सेकंड ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन एक आपका 8 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट आ जाएंगे, शॉर्ट आप लोगों के 8 ही दिए जाएंगे दोनों तरफ इंटरनल चॉइस में, और दोनों तरफ आपको 4 ही करने हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में नंबर आपको 4 मिलेंगे एक क्वेश्चन करने पर, और सेकंड ईयर में नंबर आपको 2 मिलेंगे एक क्वेश्चन करने पर। इसके बाद वेरी शॉर्ट आ जाएंगे, जिसमें से दोनों तरफ आपको 8 करने हैं, 10 आपको मिलेंगे, और फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे, और सेकंड ईयर में एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और वेरी शॉर्ट में आपके किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, वन वर्ड आ सकते हैं, वन लाइनर आ सकते हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज यही कुछ अपडेट थी CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से BEd की डेट शीट को लेकर। और BEd के से रिलेटेड आपका कोई और क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर दीजिएगा। अब आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।